खुदाबंदी है हबीब, ये जो काफर कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, थोड़ी जी तवज्जो करो जिन तीन चार बंदे हो। कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब, इनसे कह दो मेरे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह और एक वो शख्स जिसके पास आसमानी किताब का इलम है वो काफी है। यानी रसूल दी रिसालत दे दो गवाह, कितने गवाह ने बोलो जितने बैठे हो, मैं मुतमिन इंशाल्लाह कामरान भाई आ जाने उन्हें सारे जी वापस आ जाए। दो गवाह, एक गवाह अल्लाह, दूसरे का नाम नहीं दसिया। फरमा मन इंदाहू इल्मुल किताब, जिसके पास आसमानी किताब का इलम है वो रिसालत की गवाही के लिए काफी है। दोस्तों अल्लाह के गवाह है इल्मुल किताब, जिसे को भी आसमानी किताब का इलम है वो गवाह है। थोड़ा जा भाई अग्गे आ जा, मेहरबानी कर अग्गे आ जा। जिदे को भी आसमानी किताब का इलम है वो यकीनन हस्ती मासूम, बोलो हस्ती, थोड़ा जा बोलो वो हस्ती मासूम है। और अल्लाह ने मासूम और गैरे मासूम में फर्क रखे है। मासूम नो इलम पहले दिता, वजूद बाद विचो दिता। गैरे मासूम नो वजूद पहले दिता, इलम बाद विचो दिता। मासूम इलम पहले कालो वे जिदी कोई दलील है, मासूम इलम पहले कुरान की पहली आयत, या उख्ता हारूना व मा काना अबू की अमरा अस्वाई व मा कानत उम्मो के बगयन, ए हारून की बहन ना तू बुरा बुरी है, ना तेरा बाप बुरा था, ना तेरी माँ बुरी थी, बता ये बच्चा कहां से आया है। तवज्जो करो, बता ये बच्चा कहां से आया। बीबी मरियम ने पूछ लगे दोस्तों ये बच्चा कितों आया है। बीबी मरियम क्या फाशारत अलैही, मरियम ने इशारा किया, फरमाया कहा इस बच्चे से पूछ लो, जो कह ना इस बच्चे से पूछ लो। ये कह लगे क्या ये बच्चा बोल सकता है, उस टाइम जो कह ना बोल सकता है, बच्चा बोलिया काला कहा इन्नी मैं अब्दुल्लाह अल्लाह का अब्द हूं, बतानी जब किताब किताब लेकर आया हूं, वाजा आला नी नबी जन नबी बन के आया हूं। इन्हें मतलब इलम हैसी तो हिस्सा बोले, मौला तो आबाद रखे, इलम हैसी तो हिस्सा बोले ना, इलम पहले मासू इलम और किताब जो रसूल की रसालत का गवाह केड़ा 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 है जरा इलम और किताब। हूं 13 रजब के हवाले न 26 रजब अज जशन का इंतकाल किया गया, जशन मौला मलू के कब रखा गया वो हवाले जुमला कहना इलम पहले 13 रजब न दीवार शत हुई, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर दाहल हुए, दीवार मिल गई, नबी आए चची ने मुबारक दिती, फरमाया मुबारक हो गए अल्लाह ने बेटा अता किया जी, फरमाया बेटा अता किया है, अपनी जबान उन्होंने मूंह च दिती, अली ने जबान चूसी, इलम मासूम पहले, यार मजमा बेशक थोड़ा है लेकिन गल समझा रही, इलम पहले जबान चूसी तो जुमला कला विराज हो जाए, कुरान ने कुरान को हाथों पर लिया, बोलो कुरान ने कुरान को हाथों पर लिया, कुरान ने कुरान से कहा ए कुरान जरा कुरान पढ़ के सुना, इल्मुल किताब, ए कुरान जरा कुरान पढ़ के सुना, कुरान ने कुरान को कुरान पढ़ के सुनाया, सुनाया सूरत मोमिनून की तिलावत की, जो कहना यार भी कुछ पढ़ के सुना, मैं कुर्बान जावा ऐसे इल्मुल किताब की शख्सियत को, यार भी कुछ पढ़ के सुना, ते अली बोले मैं तौरात पढ़ा, बोलो मैं तौरात पढ़ा,
अंजील पढ़ा, जबूर पढ़ा या कुरान पढ़ा। यह वजह थी कि अली दावा करते सलूनी सलूनी कबला तब के दूरी, पूछो जो मुझसे पूछना है, हो सकता है मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। कमाल कर दिता अली ने, दावा करके सही मुस्कुरा कर मेरे तुरात वाले तुरात से पूछो, अंजील वाले अंजील से पूछो, जबूर वाले जबूर से पूछो, कुरान वाले कुरान से पूछो। यानी जिस जबान से पूछोगे अली उसका जवाब देगा। किसी ने अली पूछा काबे जाए हो मस्जिद में जवानी शहादत है, क्या कोई हसरत दिल में बाकी है? कोई नबी काबे च नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल काबे च नहीं आया, कोई अल्लाह के घरों गया नहीं। तुसी आए भी अल्लाह के घर, तुसी गए भी अल्लाह, जाना भी अल्लाह के घर, कोई हसरत है? अली देख फरमाने दो हसरतें मेरे दिल में बाकी है, तो जो करे लुत्फ ले आ जाए, दो हसरतें मेरे दिल में बाकी है। मैं कौन सी? सही फरमाने जितना बड़ा आलिम था किसी ने पूछा नहीं। मौला बाद रखे तो मौला बाद रखे, सलोनी सलोनी का दावा करते रहे ना, पूछो जो मेरे को पूछना चाहते हो। तो किसी ने कहा या अली मेरे हाथ दे विच की है, किसी कहा या अली मेरे पग दे पेच कितने ने। अंग्रेज ने काश मैं होता प्यारी से पूछता कि अर्श का आसमान और जमीन के दरमियान फासला कितना है, चांद और सूरज के दरमियान फासला कितना है। काश मैं होता मैं जमीन की ताकत पूछता, मैं चांद की ताकत पूछता, मुसलमान जो कहते रहे मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे दस्तार के पेट कितने हैं। तो मैं दूसरी हसरत के लिए, तो मैं जितना बड़ा आलिम था किसी ने पूछा नहीं, तो मैं दूसरी हसरत सही मुस्कुरा कर दे कि जितना बड़ा सही था किसी ने मांगा नहीं। सारे बोलो हाथ तो बुलंद करके हाजरी, जितना बड़ा सही था किसी ने, इंज नहीं बोलो सहीदा ना गा रहे सहीदा ना थक, जितना बड़ा सही था किसी ने मगर कितने बड़े सही थे। किसे पूछिया सरकार? वाह विश्व कोई गल थक जाना बंदन फितरत, पर मैं कितने बड़े सही सर, खाता का ही बड़ा सही था जी, 40 दरवाजे थे, जो कोई आता उसे देते थे। मासूम फरमाते वो सही नहीं था, वो सवारी को रिश्वा करता था, कभी इस दरवाजे से मांगे कभी इस दरवाजे से मांगे। ये कह रहे आप बताओ मेरे दादा अली का के दादा, अगर जहन हाथ तो जो करा दे ऐसा सही है जो एक बार मांगने आ जाए सात नस्लों तक मांगने की जरूरत नहीं रहती। इतना बड़े सही इल्म और किताब आसमानी किताब का इलम किदे को ले। मैं इंशाल्लाह कुरान की आयत पढ़ के दसांगा कि आसमानी किताब का इलम किदे को ले, जिहदे कोल आसमानी किताब का इलम है वह हस्ती केड़ी, वह मासूम है, वह काबे विच आई, उन्हें औदिया कुरान की तलावत की, उन्हें औदिया कुरान पढ़िया। दूसरी गल अल्लाह तवादी गवाही ते है, मासूम इल्म और किताब की गवाही ते है, यकीनन मासूम हस्ती तुहाडी गवाही कीवे, तुसी हाथ नहीं रखते, तुसी जबान नहीं रखते, तुसी चेहरा नहीं रखते। आवाज़ कुदरत मैनू इलम सी मौलवी मुकर जाएगा, इस वास्ते मैं तेरा रजम काबे के अंदर बेच के मैं मुनाफिक का मुंह बंद करके आख्या इहदा चेहरा बज हुंदा है। बोलो ते सही ना यार, इहदा चेहरा बज हुंदा है, इहदी जबान ते साज हुंदा है, इहदा हाथ यद हुंदा है, पूरे का पूरा निशान अल्लाह है। इस वास्ते मैं काबे विच भेजे ताकि कल नूं कोई गल ना करे, मैं काबे दे अंदर भेज के हर मुनाफिक का मुंह बंद कर दिता है। अजीजा ने कहा कि कदर छोटी गल नहीं कि काबे दे विच तेरा मेरा मुर्शिद अली आया होगा। अजीजा ने कहा कि कदर कौन है इल्म और किताब, थोड़ा जहा बस बोलो इंशाल्लाह मजमा बन जाएगा, कौन है इल्म और किताब कि जिदे को आसमानी किताब का इलम है हस्ती अजीजा ने ग्राम की कदर केड़ी है, और केड़ी हस्ती है जिदे को आसमानी किताब का इलम है। हजरत सुलेमान पैगंबर ने देख के फरमाया
कि हुद हुद किथे गया है। फरमाया सरकार गायब है, देख कुरान की आयत फरमाया मैं इसे ज़िबा कर डालूंगा, मैं इसे सजा दूंगा। परिंदा देख क्या थे हजरत सुलेमान पे नंबर जो जो आया हुद हुद देख फरमाया हुद हुद किथे गया है, बगैर पूछ के उन्हें कहा सरकार के ऐसी खबर लेके आया हूं जिसका आपको भी इल्म नहीं है। पर मैं केड़ी खबर, पर मैं तख्ते एक तख्त बल्कीस देख के आया, बल्कीस से ओदा तख्त है बहुत बड़ा ओदा तख्त मैं देख के आया। पर मैं फिर फरमाया कि मैं देख उन्हीं को जड़ी है वो पूजा करती है सूरज की त्याग। पर मैं फिर पर मैं सरकार हकीकत ने कहा अगर तेरी बात सच हुई तो ठीक है वरना ज़िबा कर दूंगा। उन्हें कहा बिल्कुल गल हकीकत है। उन्हें देख क्या तुम में से कौन है जो आप सब जो तख्ते बल्कीस लेकर आए। जिन बोलिया सरकार मैं लेके आवांगा, कितनी देर? उन्हें क्या सरकार चंद मिनट के बीच। पर मैं नहीं, एक दियो बोलिया उन्हें क्या मैं लेके आवां, कितनी देर? उन्हें क्या तुझे सीधे बिल्कुल ऊंचे सीधे हो तक तख्ते बल्कीस आ जाएगा। पर मैं नहीं, आप सब बिन बल्कीया बोलिया सरकार आख जमकर तो पहले, आख जमकर तो पहले तख्ते बल्कीस आ जाएगा। जो कह रहा आख चमचल तो पहले पुराने तख्ते बल्कीस आ जाएगा, आख चमचल तो पहले तख्ते बल्कीस आ गया। तो जो कह रहे आख चमचल तो पहले तख्ते बल्कीस आ गया, जो तख्ते बल्कीस आ गया आख चमचल तो पहले तख्ते बल्कीस आ गया। फरमाया वजह की सी दियो कुल नहीं आया, जिन कुल नहीं आया, एक तख्ते बल्कीस लेके आया कि दे बल्किया कोई आम हस्ती नहीं सी, ए वजीर बने वसी बने हजरत सुलेमान पैगंबर दे, ए इंज मासूम सचिवे हारून मासूम दे, इंज मासूम सचिवे अली मासूम दे। पर मैं बच्चा क्या थी जो तख्ते बल्कीस ले आया, तरी ले गए थोड़ा सा आसमानी किताब किताब इलम इसके पास थोड़ा सा आसमानी किताब का इलम था जिसकी वजह से तख्ते बल्कीस ले आया, थोड़ा सा इलम था जिसकी वजह से तख्ते बल्कीस ले आया। तवज्जो कर दे, हजरत सलमान मदाइन के पहुंच गए मदीने चले गए, अली फरमाया सलमान का जनाजा मैं पढ़ावांगा, सलमान जिहड़े सहाबी सन मैं जनाजा पढ़ावा। फरमाया सफर ज्यादा है मौला घोड़े के बैठे, फरमाया सफर ज्यादा है, ते फरमाया हबलदार तू तुराब है मैं अबू तुराब हूं, जहर बुलंद करो ना, तू तुराब है मैं अबू तुराब, सफर जाने और मैं जाना ऐसे चीजा निगरानी कर आके मदायन में हजरत सलमान का जनाजा पढ़ाया। मौलवंदा अकल नहीं मानती, सफर ज्यादा थी वक्त कम थी, इन्हें जनाजा पढ़ाया तो किवे पढ़ाया, अकल नहीं मानती। बाबा तवज्जो करो, मैं कहना आप सब फिर बखिया कुल थोड़ा क्या आसमानी किताब का इलम है सी ओ तख्ते बल्कीस अख चमचल तो पहले लेके आया। और जिनको थोड़ा इलम होवे तख्ते बल्कीस ले आ सकदा, जरा इलम किताब होवे जनाजा नहीं पढ़ा सकदा। बोलो तो सही ना मारा तो ना अपने अपने गौसलों में छुप जाओ, क्यों सुलेमान पैगंबर का काफला तुम्हें कुचल ना दे, छुप जाओ कुचल ना दे। आवाज सुन ली नबी ने, देख चूंटी ने हाथ में लिया, देखे फरमाया तेनू पता नहीं मासूम किसे नू कुचल दे नहीं। बोलो यार मासूम किसे नू कुचल दे नहीं? उन्हें कहा सरकार तुहाडी नबूवत दी कसम इलम है मासूम किसे नू कुचल दे नहीं। देखे फरमाया क्यों आखिया कि छुप जाओ कुचल ना दे, छुप जाओ कुचल ना दे, छुप जाओ कुचल ना दे। देखे फरमाया सरकार इस वास्ते मासूम नाल हर कोई मासूम ते नहीं होता। बोलो तो सही ना यार, मासूम पर हर कोई मासूम थे नहीं। नबी जलाल में आ गए, देख के चूटे नु हत्था ते लिया, देखा दस तू अफजल है या मैं अफजल? तू अफजल है या
बोलो यार मैं अफजल रजतगार तुसी नबी हो तुसी कल भी अफजल तो तुसी आज भी अफजल हो लेकिन मकाम मेरा भी थोड़ा नहीं। अल्लाह करे तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मकाम मेरा भी थोड़ा नहीं। देखेगा तेरा मकाम कैसे तुझे पहुंच के जीनत लो तेरा मकाम कैसे। मैं नबी हाँ तू चूटा है लेकिन मैं सरकार इस वास्ते मेरा मकाम ज्यादा है। तो आगे कदम जमीन ते ने मेरे कदम तो आगे हाथ का पोछा ले आए ने। और 14 साल के मौलवी को आज भी हाथ हुसैन की शान समझ में नहीं आई। और जरा चूटा नबी के हाथ से आ जाए वो बुलंद हो जाए जरा हुसैन नबी के कंधे आ जाए। सारे मिलकर शुरुआत तवज्जो है जरा चूटा नबी दे हत्था ते आ जाए ओ इतना बना दे। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर नारे रिसालत नारे हैदरी मोहम्मद आले मोहम्मद बनाम तन सलवात मेरे वास्ते लखा का मजबा जुमले तो लुत्फ जाए वो इतना बुलंद हो जाता है। अल हसन अल हुसैन सैयद अल शुबा पे आपने जन्नत जिन जन्नत के वारिस जिन्हों के लिबास जिन्हों का जन्नत में जवाब है कौन है हुसैन। तवज्जो करे अजे जो उन्होंने जिब्राई हजरत आदम भाई हवा ने किया जन्नत में रहो जो चाहे खाओ जो चाहे पियो हाथ ही शजर आता मगर इस शजर के करीब ना जाना। जो चले गए अल्लाह की आवाज की आई जन्नत का लिबास है ला दो लिबास लाया गया। मैं आया नहीं पढ़ना चाहता दामने को पूजा लिबास लाया गया जमीन पे भेजे गए जमीन पे भेजे गए। ईद वाला दिहाड़ा हो गया हुसैन शरीफ ने इन्ना आतवाइना कल कौसर की तफसीर में पूछा मारा चल पहराए की तफसीर में पूछा किस वाले इस्मत की शहजादी में पूछा हयात काबे में पूछा बीबी हजरत फातिमा सलाम अल्लाह की अम्मा धरती कलंजी नहीं किया मैं जिम्मेदार मैं जुमला चला बीबी ने आसमान में देखा नजर चीर के छत पे दिख गया जुमला बोला पहले देखा फिर कहा तो मैं तुम्हारा लबाद धरती के पास है। अल्लाह की आवाज है जिब्राइल जी जलील आज तू जिब्राइल बन के ना जाए मौला आबाद रखे आज जाई धरती बन के आज जाई नौकर बन के पहरा लिबास जन्नत लै जाओ एज लिबास लैके चले रस्ते में रूहे आदम ने मुलाकात हो गई आदम दी बोली कितने चले हो उन्हें कहा जन्नत का लिबास है जमीन से लैके चले अगर मेरी गल याद है जन्नत का लिबास है तो भाई जमीन से लैके चले उन्हें कहा अल्लाह की अदालत है कि जन्नत का लिबास जमीन से नहीं जा सकता। आदम बोलिया गला ना कर जिन्हें लुट बुलाया जुमला समझा जे मजमा थोड़ा हो गया नहीं बोला होना चाहिए उन्हें कहा आदम बोलिया गला ना कर तू जन्नत का मेहमान है हुसैन जन्नत का सरदार है। हाथ बुलंद करके हाजरी तू जन्नत का मेहमान है हुसैन जन्नत का सारे बोलो मेहमान और सरदार जो हमने तुम पर नाज़िल किया अगर ये पैगाम न पहुंचाया तूने रिसालत का कोई काम नहीं किया। जल
किसे की जरूरत है? पर मैं कराओ बानी की जरूरत है, पर मैं अल्लाह बंदा मौजू की जरूरत है, पर मैं बनाया तो होगा अल्लाह जाने मेरे ख्याल तो या जलसा हो अमज भाई करा रहे मेरे बानी अमजद भाई जलसा बच्चे बानी साकिब मेरे जा गुनागार मौजू है इल्म और किताब पर मैं तेरे चीजा रहे जलसे की जरूरत है बानी की जरूरत है साकिब की जरूरत है अगर जुमला बदला अल्लाह की आवाज आई जलसे का पानी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह इसका साकिब होगा मोहब्बत और रसूलुल्लाह इसका मौजू होगा अली जो वली अल्लाह सारे बोलो मिलके ऊंची आवाज ना नारे तकबीर नारे मौलाबाद फिर मैं वापस बुलाओ हाजी वापस बुलाए गए जिन्हें अगे से फिर मैं पिछे बुलाओ पिछे आ गए जिन्हें पिछे से फिर मैं अगे बुलाओ अगे आ गए जिन्हें ताए से फिर मैं इकट्ठे करो इकट्ठे कर दिते गए तवज्जो करया जे लुत्फ दा जे इकट्ठे कर दिते गए फिर मैं हुण करो ऐलान पानी मैं अल्लाह वा तवज्जो करो बस कामरा दा तशरीफ लैण चार पांच मिनट वेखो पानी मैं अल्लाह वा जाकर तुसी बनो तवज्जो करया जे बस पानी मैं अल्लाह वा जाकर तुसी बनो मैं पढ़ांगा अच्छा पानी मैं अल्लाह वा इंतजार दिया गाड़िया खत्म लेकिन मैं गल जी मुकम्मल करना चाहना थोड़ी जी तवज्जो जाकिर मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजू होएगा अली जो वली अल्लाह जेड़े अगे से पीछे बुलाओ जेड़े पीछे से करीब करो मुकम्मल करीब करके फरमाया पहुंचा दे वो पैगाम जो हमने तुम पर नाज़िल किया फरमाया अल्लाह पैगाम में पहुंचा देना शर का खतरा है शर ना पै जाए लोग ना कर चाचे का बेटा सी ताला किता ने लोग ना कर दमाद सी ताला किता ने रसूल ना कर अपना करीबी सी खून सी ताला के शर का खतरा है अल्लाह ने कुरान की आयत भेज के मुनाफिकी ना मुबद किता तो मैं शर का खतरा है मैं बल्ला हो सही ना यार बोलो वो क्या इंतजार वाला मेरा मैं तुझे लोगों के शर से बोल छोड़ो जी ना कब्र में बोलना जिससे ना माहौल बनाओ थोड़ा जा मैं तुझे लोगों के शर से महफूज रखूंगा अजीजा ने ग्रामीण कदर फरमाया प्लानर मेंबर बन गया मैं जुमला कह गया कामरान भाई की मौजूदगी में कामरान भाई जुमला बहुत बड़ा है औलाद रसूल कुरान सामने गलत हो कबर च मेरी शफात ना हो जो अमीर बंदा बन के सुने भी शफात ना हो जो अली जमली मोहब्बत बोलेगी हाथ बुलंद इंज नहीं यार इंज नहीं यार बोलो सर यद वाला हाथ बुलंद किया ये अली है पहुंचो यार मैं छंद लगा दे पाया लोगो ये सारा पंडाल बोलो यार बोलो मेरे बात सुनना देना अयोहन्नास लोगो ये
अली है। नबी ने खुतबा दिया दे कदर इसी के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमुनस सलात व युतुनस ज़कात व हुम राकिऊन। दे कदर इसी के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मस्सादिकीन। दे कदर अय्युहन्नास इसी के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व तब्तगू इलैहि वसीला। दे कदर अय्युहन्नास इसी के बारे में अल्लाह ने कुरान में हदीस में कहा ये मेरा जानशीन है। देखने ये यादुल्ला है,
یہ عین اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ من کن کا مولا ہو فہذا مولا، جس جس کا میں مولا اس کا سر بنو، اس کا میں آدم کا مولا، یہ آدم کا مولا، میں نوح کا مولا، یہ نوح کا مولا، میں مالک کا مولا، یہ مالک کا مولا، میں ادریس کا مولا، یہ ادریس کا مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کمال کر دیتا ہے، نبی نے خطبہ پڑھا، یہ کہہ رہا ہے یوحنا ابدی آدم کے مسئلہ میں حسد کا شکار ہوا، لہذا ابدا تو علی سے حسد نہ کرنا۔ اور تھوڑی مرضی ہے یار، میں قرآن وچوں ذمہ دار نہ پڑھنا، بڑی وڈی گل ہے کہ میرے اپنی اس آدم کے مسئلہ میں حسد کا شکار ہوا، خبردار، جنہوں رسول خبردار کہہ دے، خبردار تم علی سے حسد۔ اور پوچھو یار، میں تھوڑا زیادہ شوق نہ سننا کامران بھائی نے بیٹھ تو بولو تو صحیح نا یار، تو میں تم علی سے حسد سارا پٹار بولو، تم علی سے حسد مولا بار رکھے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترکے اولا پر زمین پر بھیج دیا گیا، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ دیکھا جب علی کا دشمن، علی کا دشمن شکی ہوگا، شک کرے گا، معراج تے گیا کیویں، رسول دے بستر تے ستا کیویں، ایک لمحے میں چاریا تے رب روضہ کھولیا کیویں، بولو تے صحیح نا یار، دیوار شک ہوئی کو، علی کا دشمن شکی ہوگا، علی کا دوست تکی ہوگا، جتنا علی تکی دوست تکی، علی نمازی دوست نمازی، علی پرہیزگار دوست پرہیزگار، علی منن والا دوست منن والا، علی روزے دار منن والا روزے دار، علی نمازی منن والا، علی کا دوست تکی ہوگا۔ لیکن اس پر ایمان رکھنے والا ہی مخلص مومن ہو سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورۃ اثر کو نازل کیا، اگر عزیز آنے کرام بھی کہے کہ بندہ اٹھیا یہ کہنا یا رسول اللہ سآلا سائل سال نے سوال کیا بے عذاب پر راگل مجھ پر عذاب راگیا ہو بعد لیل کافر ہی نا اور کافر میں چاہے یا رسول اللہ کنوں کچھ کے نال کی تاریے نبی کیا بما جلتے تو انر حوادہ مشتاق نبی آن بغیر بہی میں میں کلام نہیں کرتا اللہ بھی مرد نے نال کی تاریے پر اللہ نا کو میں کیا عذاب نازل کرے فرمایا اللہ اعتراض کرنے والا میرا دشمن نہیں چھڑیا نہ اعتراض کرنے والا میرا دشمن نہیں اعتراض کرنے والا میرے رسول دا دشمن نہیں اعتراض کرنے والا دشمن علی دا اللہ عذاب مانگ رہے ہیں اللہ کی آواز جبرائیل کی جلی حل جزا الاحسان الاحسان احسان کا بدلہ احسان علی احد وچ لڑیا یا میرے دشمن نال یا میرے نبی دے دشمن جبرائیل آ رہی ہے یار دے بلند کریا جے علی بدر تے لڑیا میرے دشمن نال یا میرے حبیب دے دشمن نال علی صفین وچ لڑیا میرے دشمن نال یا میرے حبیب دے دشمن نال علی حنین وچ لڑیا میرے دشمن نال یا حبیب دے دشمن نال اج اعتراض کرن والا میرا دشمن نہیں میرے حبیب دا دشمن نہیں اج دشمن ہے علی دا آسمان تو پتھر